हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चैन ब्लॉक के रिलेटेड में है। चैन ब्लॉक होता क्या है, चैन ब्लॉक कितने प्रकार का है, चैन ब्लॉक को हम कैसे यूज़ करें, उसमें क्या सेफ्टी है और चैन ब्लॉक को हमें कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले चैन ब्लॉक, चैन ब्लॉक आखिर है क्या। चैन ब्लॉक हम लोग मैनुअली लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पर अंदर एरिया में, जैसे कोई बिल्डिंग में कोई काम कर रहा है, उसके अंदर कोई मटेरियल को, कोई सामान को लेकर जाना है, तो उसमें हम लोग चैन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। सबसे पहला आप ये जान लो, चैन ब्लॉक दो टाइप से आता है। एक इलेक्ट्रिक चैन ब्लॉक आता है, दूसरा आपको मैनुअल चैन ब्लॉक आता है। तो ये मैनुअल चैन ब्लॉक और इलेक्ट्रिक जो चैन ब्लॉक है, इसमें क्या सेफ्टी हमें देखना चाहिए, बहुत सारा देखना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी आपको चैन ब्लॉक बनाकर देती है, जैसे 2 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, वो 10 टन, 20 टन, बहुत सारे जितने कैपेसिटी है उस तरीके का आपके पास चैन ब्लॉक कंपनी में होगा। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी में पाया जाता है वो 20 टन 50 टन लास्ट देखा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर चैन ब्लॉक कहीं देखा गया है वो ऑफशोर रिलेटेड में देखा गया, ऑफशोर हो गया, जैसे बार्ज वगैरह एरिया में हो गया, तो उस जगह पर काफ़ी बड़े बड़े चैन ब्लॉक होते हैं, लेकिन उसको स्पेशल ऑर्डर देकर उस चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो पहला फर्स्ट चैन ब्लॉक, चैन पुली ब्लॉक, चैन हॉर्स और चैन ब्लॉक, उसको 3-4 नाम से बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये चैन ब्लॉक है, अगर चैन ब्लॉक आप जानते हैं या चैन हॉर्स जानते हैं या चैन पुली ब्लॉक जानते हैं, तो ये सारा एक ही नाम है। सबसे पहला आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूँ। सेकंड, चैन ब्लॉक दो टाइप से आता है। चैन ब्लॉक एक आप देखे होंगे मैनुअल लिफ्ट करते हैं, सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिक सिटी से चलता है, वो एक चैन ब्लॉक है। लेकिन ये चैन ब्लॉक फुल्ली इजी ऑपरेटेड होता है, फुल्ली इजी ऑपरेटेड तो होता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। वो सेफ्टी का क्या ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। सबसे पहले चैन ब्लॉक जो होता है उसको वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप ये सोच ले कि हमारे पास कोई चैन ब्लॉक है, उस चैन ब्लॉक को वर्टिकली डिज़ाइन किया गया है उसको लिफ्ट करने के लिए। तो आप ये कभी भी गलती ना करें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, या ज़ीरो डिग्री मींस हॉरिजॉन्टल जो आप लेंगे तो उसमें आपको कभी भी पुल नहीं करना है, कोई किसी सामान को खींचना नहीं है। उसके लिए अलग टूल्स बनाया गया है, जैसे हम लोग हुक चुक यूज़ करते हैं खींचने के लिए, तो इस तरीके से, और विंच मशीन है, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि विंच मशीन हो गया, हुक चुक हो गया, इन सब चीज़ों को खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जो चैन ब्लॉक है उसको वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए ही उसको चैन ब्लॉक बनाया गया है। उसके बाद ये चैन ब्लॉक इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट और भी काफ़ी जगह पर यूज़ होता है, ऑफशोर में, अनशोर में, और इंडस्ट्री जितना है, ऑयल एंड गैस है या कोई मैन्युफैक्चर ऐसा कोई वर्कशॉप है, उन चीज़ों में इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक छोटा सा एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मींस एक जुगाड़, मींस सेफ्टी जुगाड़, ये चीज़ को इसके लिए पर्पस के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके बहुत सारे सेफ्टियाँ है, सेफ्टी मतलब सेफ्टी बहुत सारे सेफ्टी है जो आपको मालूम होना चाहिए और जो आपको अपने लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। तो वो क्या क्या है, ये चैन ब्लॉक सिंपल सा लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है। सबसे पहले जैसे सिंपल ऑपरेट भी होता है, एक सिंपल इक्विपमेंट भी है, लेकिन आप सोचेंगे सर ये सिंपल भी है और सिंपल इक्विपमेंट भी है, लेकिन सिंपल चीज़ ही वो सबसे डेंजर भी होता है हादसे में, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए।
ये हाई रिस्क और एक्सीडेंट लोड और होस्ट फेलियर होने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। अब देखिए मेन पॉइंट की बात आ गई, हाई रिस्क और एक्सीडेंट या होस्ट फेलियर का भी चांसेस होता है, तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। इसमें एक्सीडेंट भी होता है, उसमें फेलियर भी हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज़ों का सामना हो सकता है। सेकंड, मोस्ट एक्सीडेंट चैन होस्ट ओवरलोड और पूरे रिगिंग, जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसमें देखा गया है वो पूर रिगिंग के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हम लोग कोई गलत तरीके से चैन ब्लॉक बांध दिया या गलत तरीके से हम लोगों ने खींच दिया उसको। खींचना मीन्स क्या होता है, चैन ब्लॉक का कहीं पिन जाकर अंदर फंस गया, जैसे हम लोग जो चैन है वो चैन का सॉकेट के अंदर जाके फंस गया, उसको एक आदमी ताकत लगा रहा, वो उसने क्या किया, दूसरे आदमी को बुलाया। दूसरे आदमी को बुलाने के बाद उसने दो आदमी का फोर्स लगाकर खींचा कि उस तरीके से वो चैन टूट गया। कभी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, लेकिन एक बार हमने ज़रूर देखा है कि चैन ब्लॉक टूटते हुए। क्यों? क्योंकि वो भी एक कोई चीज़ है, कोई वो भी एक कोई मटेरियल है। तो इसके लिए हमको इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो एक्सीडेंट होता क्यों है और उस किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हुआ है वो पूर रिगिंग, जो हम लोग रिगिंग करते हैं। रिगिंग आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ कि रिगिंग का मतलब क्या होता है। रिगिंग अपने हाथ में है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट के हाथ में है। तो ये दो चीज़ है, वो दो डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को आप जान ले। रिगिंग मीन्स वो मैंने जो खुद किया, उसको जो बांध किया, उसको जो मैंने उसको जो माइंड से हम लोग उसको बांधा, सीलिंग बांधा, या उसमें जो अटैचमेंट हमने चैन ब्लॉक का किया, वो गलत तरीके से किया तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा। उसके बाद ओवरलोड जो मीन्स क्या हो गया, जैसे हमने 2 टन का चैन ब्लॉक लगाया, 2 टन के चैन ब्लॉक में हमने 4 टन 5 टन हमने खींचा, वर्टिकली ज़्यादा फोर्स पड़ता है इस चैन ब्लॉक पर सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है। ये वर्टिकली डिज़ाइन किया गया ये चैन ब्लॉक है, लेकिन हम लोगों को उससे हाई कैपेसिटी नहीं उठाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा 60 kg मेरा वेट है, तो 60 kg जो मेरा वेट है तो मैं क्या 60 kg से ऊपर उठा सकता हूँ? एग्जैक्टली नहीं उठा सकते हम लोग। तो इन चीज़ों पर सबसे ध्यान देना चाहिए। कभी भी आपको उठाने से पहले मैक्श्योर होना चाहिए, मैक्श्योर, और आपको एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मीन्स मैं एक श्योर हूँ कि इस चैन ब्लॉक को मैं अच्छे से प्रॉपर यूज़ कर सकता हूँ, और मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ, एक मेरे को ट्रेनिंग मिल चुका है, या मैं कहीं वीडियो से इन चीज़ों का ट्रेनिंग ले लिया हूँ। तो वो चीज़ के बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, आपको एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। चैन ब्लॉक यूज़ करने के लिए सेफ्टी रूल्स की रिमाइंड करके रहना चाहिए कभी भी। सबसे पहले ये एक अच्छी बात है, चैन ब्लॉक कभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको एक बार माइंड में रिमाइंड करना चाहिए कि इसमें सेफ्टी रूल्स क्या है, उसमें हमको क्या क्या चेक करना है। जैसे हम लोगों को उसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है, उस गियर बॉक्स को हम लोग प्रॉपर चेक करना चाहिए, जो उसका चैन रोटेशन एरिया है उसको चेक करना चाहिए। बस नॉर्मली चीज़ है, और हम लोगों को कुछ नहीं चेक करना है। बस हम लोगों को क्या नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा चीज़ पाया गया है। सेफ्टी डिवाइस को हम लोग जो चेक करते हैं उसमें 10 पॉइंट होगा मैक्सिमम। अगर आप कहीं चेकलिस्ट अगर चैन ब्लॉक का देखते भी होंगे, उसमें 11 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट होंगे या 15 पॉइंट होंगे। लेकिन देखा गया है कि अगर इस चैन ब्लॉक को यूज़ हम लोग करते हैं, तो उस चैन ब्लॉक को यूज़ करने के लिए जो सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं वो 2-2 पेज भी कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे वर्टिकल इसको डिज़ाइन किया गया, हम लोग हॉरिजॉन्टल में कर दिए। सेकंड, उसको हम लोग ज़्यादा प्रेशर से खींच लिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर चेक नहीं किए चैन ब्लॉक को, प्रॉपर हम लोग जो हुक है उसको चेक नहीं किए, उसमें सेफ्टी लैच भी उसमें नहीं था, सेफ्टी लैच भी हमको प्रॉपर चेक करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं शुरू से आखिर तक खुलकर बताऊंगा कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, तो इस वीडियो को बने रहे। सेकंड जो पेज है, फिजिकली डैमेज आपको चैन ब्लॉक नहीं करना चाहिए, जो फिज़िकली मतलब जो डैमेज है।
तो वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें फिजिकली क्या डैमेज हो सकता है, जैसे स्प्रिंग फेलियर हो सकता है जो गियर बॉक्स के अंदर होता है, उसका सॉकेट डैमेज हो सकता है, और जो हुक है वो 10% से अगर अबाव उसका फैलाव हो जाता है तो उस हुक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें चीज़ है, जो सेफ्टी पिन होता है उसमें कहीं कहीं बोल्ट वगैरह के अंदर, तो उन चीज़ों को प्रॉपर हमको चेक करना चाहिए। विदाउट सेफ्टी लैच, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी लैच हम लोग एक नॉर्मल मानते हैं, नहीं, ये अगर आपके पास कोई चैन ब्लॉक है उसमें सेफ्टी लैच नहीं है, वो एक चीज़ अधूरा हो गया, मतलब वो आप उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको सेफ्टी लैच लगाइए और उसको इंस्पेक्शन करिए पूरा, करने के बाद एक बार अच्छे से लो टेस्ट करने के बाद आप उन चीज़ों को एक यूज़ करिए। उसके बाद रॉन्ग चैन ब्लॉक कनेक्शंस पिन, जैसे पिन बोला, रॉन्ग कनेक्शन बोला, रॉन्ग कनेक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग चैन ब्लॉक को एक बिल्डिंग के अंदर रॉन्ग कनेक्शन के ज़रिए हम लोग लगा दिया, चैन ब्लॉक इधर लगा दिया, कभी ऐसा कहीं फंस गया, कहीं कुछ हो गया, या जिस जगह पर आपने चैन ब्लॉक अटैच किया हुआ है वहाँ पर वो 2 टन का कैपेसिटी है लेकिन वहाँ पर आपने 5 टन दे दिया, वो पूरा बीम गिर गया। तो इन चीज़ों पर हमको एरिया बाई एरिया में हमको चेक भी करना है, जैसे हमको जहाँ चैन ब्लॉक लगाना है वहाँ उससे ज़्यादा कैपेसिटी है कि नहीं, उस दीवार में, उस कॉलम में, उस बीम में, उस एंगल में है क्या नहीं, आपको ये चीज़ को श्योर करना है। तो इन चीज़ों पर सबसे ध्यान देना है। उसके बाद जर्क लोड ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशंस, कभी भी आपके कोई भी मटेरियल में कोई भी आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जर्क नहीं आना चाहिए, ये चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जर्क लिफ्टिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशंस, चैन ब्लॉक लुब्रिकेंट जॉइंट मीन्स हम लोग जॉइंट में क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डाल देते हैं, ऑयल जैसा हो गया कुछ भी, हम लोग उसको सर्विसिंग भी देते हैं क्योंकि वो मैनुअल लिफ्ट है, मैनुअल काम करता है, लेकिन उसको हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हम लोग लगाते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि हमको कहाँ लगाना चाहिए, उसका कोई एक्सपर्ट है उसको लगाना चाहिए, जिसको जो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है वो लुब्रिकेंट ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत तरीके से लगा दिया फेलियर होने का चांस है। इसके लिए जैसा भी आप बाइक चलाते होंगे तो बाइक चलाने के लिए जब आपको कभी कभी देखो आपको नॉलेज नहीं होता आप क्या करते हैं, जो डिस्क ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक का जो प्लेट होता है उसमें हम लोग क्या ऑयल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, भले से वो कितना भी पुराना हो जाए हम लोग नहीं लगा सकते। हाँ, एक बार चमकाने के लिए एक बार पोंछ कर खोल कर उसको सही करके वापस लगाते हैं, वो अलग चीज़ है, उसको साफ़ सफाई के लिए अलग एक चीज़ है, वो अलग है, लेकिन लुब्रिकेंट ऑयल हम लोग नहीं लगा सकते डायरेक्टली उसमें, चालू गाड़ी में हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो ब्रेक काम नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से ये चैन ब्लॉक है, चैन ब्लॉक में भी अगर आप लुब्रिकेंट ऑयल लगाएंगे किसी भी जगह पर तो वो शायद फेलियर होने का चांस है। उसके बाद क्रैक चैन एंड लूज पिंस, कभी भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपके माइंड में जब भी चैन ब्लॉक आए आपको सबसे पहला यही पॉइंट में आना चाहिए, सेफ्टी क्या है। सेफ्टी मीन्स अगर आप जो भी माइंड के अंदर उल्टा सीधा सोच रहे वही आपका सेफ्टी है, उसको हमको कैसे बचना है, हम अपने माइंड में उस चीज़ों को कवर करें कि इसमें ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई चीज़ है तो इसके बारे में अगर हम गलत सोचेंगे कि ये मेरा फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फ़ोन है, तो जब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि ये मेरा फ़ोन गिर जाएगा, टूट जाएगा, टूट भी सकता है, ये भी हो सकता है, या डैमेज भी हो सकता है, डिस्प्ले डैमेज हो सकता है, तो हम लोग कवर का यूज़ करते ना कवर का, तो हमारे पास खुद ब खुद एक आइडिया भी आ जाता है, कोई आइडिया आपको बताता भी नहीं। तो इन चीज़ों पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्रैक चैन्स एंड लूज पिंस एंड जॉइंट, जो जॉइंट वगैरह जो क्रैक होता है, जो वेल्डिंग होता है वो क्रैक होता है, उसको जब हम लोग पूरा चेक कर लेंगे तो उसमें हम लोग कलर कोडिंग कर सकते हैं। कलर कोडिंग क्यों किया जाता है रिगिंग और लिफ्टिंग टूल्स में, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि रिगिंग और लिफ्टिंग टूल्स को हम लोग जो इंस्पेक्शन करने के बाद कलर कोड करते हैं क्यों, एक बार हमको मालूम पड़ता है कि ये
ये टूल्स है ये ऑलरेडी इंस्पेक्शन किया हुआ है, लेकिन आप ये गलती ना करें, कभी भी कोई भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स आप यूज़ करते हैं तो वो जब भी हम लेते हैं स्टोर से तो हमको भी प्रॉपर चेक करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, हाँ प्रॉपर जानकारी करना चाहिए उसमें क्या डैमेज है, क्या क्रैक है, क्या कुछ है, क्योंकि जो इंस्पेक्शन करने वाला वो उसका अलग नज़र होगा, आपका एक अलग नज़र होगा, तो इसके लिए आप ज़रूर उन चीज़ों को चेक करें और उसका सही जगह पर रिपोर्ट भी करें। उसके बाद वायलेशन ऑफ द परमिट टू वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये क्या है, ये वायलेशंस मीन्स हम लोग वर्क परमिट जो कंपनी का जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होता है उसका हम लोग वायलेशंस करते हैं परमिट के लिए। कभी भी कोई हमको काम है, कोई जल्दबाजी कर दिया, कोई सुपरवाइज़र आकर बोला चैन ब्लॉक उठाओ और ये लिफ्टिंग करो, तो इसका हम लोग बाईपास नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में बनाए जाता है जैसे परमिट टू वर्क, लिफ्टिंग प्लान और SWP, बहुत सारे एक इंश्योर करता है, मतलब इंश्योर मीन्स आपको एक कॉम्पिटेंट बनाता है, मीन्स आपको एक अवेयर करता है, अवेयर मीन्स मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो आपके माइंड में तो नहीं आएगा, लेकिन उन वो जॉब की जितनी हजार्ड है उस पेपर में श्योर किया गया है, आप उसको श्योर करना पड़ेगा कि मेरे एरिया में ये हजार्ड है यस, मेरे एरिया में ये हजार्ड है नो, मेरे एरिया में ये हजार्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है नो, या कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड है नो, आप उस एरिया को चेक करिए उसमें नो डालिए, यस है तो यस करिए, तो इसी तरीके से आपको श्योर करना है, आपने चैन ब्लॉक प्रॉपर चेक किया यस उसमें लिखना पड़ेगा, चैन ब्लॉक के अंदर सेफ्टी लेच है कि नहीं उसको यस, ये एक चेकलिस्ट भी होता है, परमिट टू वर्क भी होता है। परमिट टू वर्क मीन्स क्या होता है, ये एक बिल्डिंग है, हमने आया ये बिल्डिंग का जो इंचार्ज है उसको पता है कि मेरे बिल्डिंग में किधर किधर काम चल रहा, किधर किधर काम छूट गया, किधर किधर डेंजर पोजीशन है, तो जब हम लोग परमिट उससे साइन करवाने के लिए जाते हैं उसको मालूम पड़ता है कि ये हमारे बिल्डिंग में काम करने के लिए जा रहा है, तो वो कौन से एरिया में जाएगा, उस एरिया में क्या क्या हजार्ड है, वो इंश्योर करता है, वो श्योर करता है कि वो फिर साइन करता है और उसको गाइड करता है कि सर वहाँ पर वो ये हजार्ड है, वहाँ पर इस तरीके का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है, तो इसके लिए परमिट टू वर्क ज़रूर करना चाहिए, कभी भी आपको परमिट लेना चाहिए, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट मीन्स क्या है, आप कोई भी ऐसा विदाउट जो आपका जो आग के बिना जो या कोई हॉट सरफेस के बिना जो आप कोई काम कर रहे हो, कोल्ड परमिट जैसे लिफ्टिंग वगैरह भी हम लोग उसमें कर सकते हैं, शिफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं कोल्ड वर्क परमिट उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ये चीज़ों पर सबसे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा एक पॉइंट लास्ट, बैरिकेशंस, कभी भी हम लोग जो चैन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या लिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई भी हम लोग ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमको बैरिकेशन करना चाहिए, ये लास्ट में है लेकिन सबसे ज़बरदस्त पॉइंट यही है कि बैरिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, ये सोचो कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बैरिकेशंस है। उसमें क्या होता है, आप जो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो या गलत होने वाला है जो आपको नहीं पता है, उससे दूसरे इंसान की सेफ्टी हो सकती है, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का मकसद पर्पस क्या है, इसको लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरे की भी लाइफ हमको सबसे ज़्यादा बचाना है, इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये तो हजार्ड के बारे में हो गया, दूसरा चैन ब्लॉक के बारे में भी मैं बता दिया जो फर्स्ट में था, सेकंड हो गया आपको करना क्या है, जैसा आपने बोला कि सर आपने तो ये चीज़ बता दिया लेकिन हमें करना क्या है, ठीक है मैं बताता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले सही चैन ब्लॉक का चॉइस करना चाहिए, मीन्स क्या होता है, सही चैन ब्लॉक को यूज़ करने का मतलब क्या होता है, पसंद करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई लोड है, लोड के अकॉर्डिंग हमको चैन ब्लॉक लेना चाहिए, ना कि उससे ओवर का चैन ब्लॉक, ओवर मीन्स बहुत अच्छा है,
ओवर मीन्स क्या हो गया, अगर हम 3 टन का चैन ब्लॉक ले रहे हैं 5 टन का मटेरियल खींचने के लिए, ओनली सिंगल चैन ब्लॉक, तो क्या हम लोग खींच सकता है? खींच तो जाएगा, प्रेशर तो बनेगा, लेकिन वो हज़ार्ड भी उसमें आ सकता है, उसमें इंसिडेंट भी आ सकता है, उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारा इंजरी भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमको एक अच्छे चैन ब्लॉक लेने की ज़रूरत है। उसके बाद फॉलो द ऑपरेटर मैनुअल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। कभी भी जो ऑपरेट इसको करेगा उसका इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। कभी भी उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम है, वो फेलियर या इंजरी में आ सकता है। उसको सबसे पहले जैसे हम लोग कोई मोबाइल लेते हैं, कोई फ़ोन लेते हैं, उसमें एक मैनुअल सेफ्टी होता है, तो इस तरीके से कुछ होता है। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हो गया फिज़िकली इंस्पेक्शन और कंडीशन ऑफ चैन ब्लॉक, ये एवरीडे रूटीन में होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी डिवाइस इंक्लूडिंग लोड ब्रेक्स, सेफ्टी लैच ऑन हुक, लिमिट स्विच, इमरजेंसी स्टॉप एंड शॉक प्रोटेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। मीन्स ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल चैन ब्लॉक बताया, जो उसमें ये लिमिट स्विच होता है, उसमें इमरजेंसी स्टॉप होता है, उसमें शॉक प्रोटेक्शन का भी प्रॉपर देखना चाहिए कि कहाँ पे शॉक प्रोटेक्शन होगा उसको, वो है क्या नहीं, वो चीज़ चेक करने का। उसके बाद जो हम लोग मैनुअल में आ गए, उसमें हम लोग लोड ब्रेक बराबर कर रहा है कि नहीं, सेफ्टी लैच ऑन हुक बराबर है क्या नहीं, उसके बाद और भी बहुत सारे उसका कंडीशन चेक करना चाहिए आपको। उसके बाद चेक सर्टिफिकेट TPI जैसे डॉक्यूमेंट्स, जो आप भी जो भी कोई टूल्स को यूज़ करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स TPI और थर्ड पार्टी जो हम लोग जैसा बोलते हैं TPI है क्या नहीं, उसका बराबर चेक किया गया कि नहीं, उसको उसका होना चाहिए। उसके बाद इंश्योर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ वर्किंग लोड SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड, वो है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन इंश्योर आपको करना चाहिए। उसका जो टैग होता है चैन ब्लॉक के ऊपर, उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसमें है क्या नहीं। उसके बाद मेक श्योर ऑल चैन होस्ट हुक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ सेफ्टी लैच। सेफ्टी लैच है क्या नहीं, वो उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर सेफ्टी लैच है उसी को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बैरिकेड द एरिया बिफोर लिफ्टिंग, कभी भी कोई भी लिफ्टिंग करने से पहले बैरिकेड करना चाहिए। उसके बाद यूज टैग लाइन टू कंट्रोल द सस्पेंडेड लोड, कभी भी आपको टैग लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। दो चीज़ जैसा मैंने आपको बताया, एक तो अपना सुरक्षा, एक दूसरे का सुरक्षा। दूसरे का सुरक्षा हम कैसे करेंगे, बैरिकेशन से करेंगे। दूसरा सुरक्षा अपना कैसे करेंगे, वो टैग लाइन से भी करेंगे। तो टैग लाइन मीन्स क्या होता है, आपका जो लोड है उसको डायरेक्टली हम पकड़ना नहीं चाहिए। जब हमारे पास टैग लाइन होगा तो हम लोग उसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मेक श्योर ऑब्जेक्ट एनी एरिया, जैसे हम लोग कोई चीज़ पर लगाए हुए है चैन ब्लॉक को, चैन ब्लॉक कहीं गिर नहीं सकता है। जैसे कोई एरिया में हम लोग सरफेस में बीम एंगल में लगाए, कहीं वो तो नहीं गिरेगा, उसको हम लोग मेक श्योर करना चाहिए। कभी भी लिफ्टिंग करने से पहले कोई भी चीज़, कोई भी एरिया को हम लोग पहले विजिट करना चाहिए कि क्या एरिया में कुछ हज़ार तो नहीं है, कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, या कोई चीज़ गिर तो नहीं सकता, कहीं से टक्कर तो नहीं मार सकता है, या कोई एजेस एरिया है कुछ ऐसा स्लिप होने का एरिया है, वो उन चीज़ों को हम लोग मेक श्योर करना चाहिए। और उन चीज़ों को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। जैसे हाउसकीपिंग एरिया, हाउसकीपिंग को हम लोग एक बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं कि हम लोग हाउसकीपिंग क्यों करेंगे। हम लोगों को हाउसकीपिंग हर जॉब के अंदर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे जैसा बोलते हैं ना, हमारे लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक जानवर भी आप देखे होंगे, कुत्ता भी वो पूछ मार के साफ करके वो उस जगह पर बैठता है। वैसी हमें कभी भी कोई भी काम करने वाली जगह पर प्रॉपर हाउसकीपिंग करना चाहिए। हाउसकीपिंग क्या, वुडन है, वुडन को हटा के फेंक दो, साइड में रख दो। उसके बाद कोई ऐसा कपड़ा है, कुछ टूल्स वगैरह गिरा हुआ है कटा फूटा, उसको हम लोग प्रॉपर क्लीन करके उसको सेट कर देना चाहिए। ये चीज़ हमारा हाउसकीपिंग है। इसमें फ़ायदा क्या है,
कभी भी आप स्लिप नहीं हो सकते, ट्रिप नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा आपको कभी ठेस नहीं लगेगा, कभी आप काम करते करते टाइम में ऐसा कभी दौड़ भाग हुआ, कभी गिर गए या कुछ हो गया, तो आपको समझ रहे कि वो आपको एक फ्रैक्चर कर सकता है या आपकी लाइफ को जो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमको हाउसकीपिंग करना चाहिए। ये हाउसकीपिंग बहुत रिस्पेक्टिव वर्क है, मींस हर जॉब के अंदर रिस्पेक्टिव, उसको रिस्पेक्टिव समझना चाहिए। तो स्टैंड क्लोज टू मूविंग लोड ड्यूरिंग हॉरिजेंटल मोमेंट फॉर बेटर गाइडेंस। अगर गाइडेंस कभी भी कोई ऑपरेटर है उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस चैन ब्लॉक को वर्टिकली के साथ हॉरिजेंटल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको कितना डिग्री में आप यूज़ करेंगे उसका प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए। आपको कौन से मोमेंट में इस चैन ब्लॉक को हॉरिजेंटल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल इस तरीके से ये चैन ब्लॉक को इस तरीके से नहीं यूज़ करते। उसको यूज़ करने के लिए एक अलग से चैन ब्लॉक आता है जिसको हम लोग 360 चैन ब्लॉक भी बोलते हैं, या दूसरा चीज़ एक आ रहता है हम लोग कैमलोन का भी यूज़ करते हैं, जैसे लीवर होस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। लीवर होस्ट क्या आता है, छोटा मोटा डिस्टेंस को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग चैन ब्लॉक से खींच कर कोई सामान लेके आए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लीवर होस्ट अटैच किया, इस मटेरियल को हमको यहाँ चाहिए क्योंकि ये बीच में, तो लीवर होस्ट का हम लोग यूज़ करके जो हम लोग जिसको कैमलोन भी बोलते हैं उस लीवर होस्ट को खींच के हम लोग एक साइड पे ले सकते हैं उस मटेरियल को। बस इन चीज़ों का यूज़ होता है। बाकी आपको हॉरिजेंटली यूज़ करना है उसके लिए 360 चैन ब्लॉक आता है, उन चीज़ों को यूज़ करें। और जैसा आप 360 चैन ब्लॉक जाना चाहते हैं आप डिस्प्ले पर इस तरीके से देख सकते हैं, ये 360 चैन ब्लॉक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों को एक डिटेल्स में बताने के लिए इतना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।